दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर पिजन केयर में मेरे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप उन सभी भाइयों का दिल से स्वागत है जो मुझे सपोर्ट के नाम पे एक और देके बैठे हुए, एक खम्भे की तरह मेरे साथ चिपके हुए हैं कि बस भाई किसी तरह ऊपर चला जाए। और यकीन करना, अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ शौक के साथ, ये सेल के भी है। आप जिस किसी भाई को चाहिए हो और आपको समझ में आ रहा हो तो ले सकते हो। मैं फ़िलहाल आ गया नागलोई, फोर नंबर है नहीं चार नंबर, एक नंबर में। तो ये भाई आसपास का व्यूज़ है, ठीक है जी। यार सबसे बड़ी बात है ये फूल मंडी है, यहाँ पर दिल्ली NCR का सबसे ज़्यादा फूलों का काम होता है। तो ये जाल है भाई का, थोड़ा सा सेटअप पीछे दिखाता हूँ। लोग बाग कहते हैं कि भाई खुड्डा भी दिखाया करो, और जो कहते हैं उन्हीं की छत पाया हूँ। ये भाई का रख रखाव है, खुड्डे हैं, इनमें से कुछ कबूतर सेल के हैं, आप बैठक देख सकते हो, ठीक है जी। तो मैं कराता हूँ शौक आप सभी को, करते हैं भाई का शौक। भाई का थोड़ा सा इंट्रो लेके सीधा शौक पे आते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद कर। और भाई ये मोहित भाई हैं, और दूसरे भाई आपका नाम दीपू, दीपू भाई का शौक है, ये कुछ कबूतर हटाना चाहते हैं, शौक भी कराना चाहते हैं। तो जिस किसी भाई को चाहिए वो इन भाई से संपर्क कर सकता है। पहले मोहित भाई आप अपना नंबर बताओ। मेरा नंबर है भाई 7678552457। दीपू भाई आप भी बताओ। 84 47 74 72। ये दोनों भाइयों के नंबर हैं। अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई के कबूतर हमारे किसी काम के हैं तो आप संपर्क कीजिए, सेल कीजिए, लीजिए और शौक कीजिए। तो भाई आप पहले शौक कराइए उन कबूतरों को जो आप हटाना चाहते हो। भाई वाह, आंखों का रिंग नोटिस करो। आपने अगर कलकत्ता इज कास्ट, खैर सभी करते हैं, आपने नहीं सभी करते भाई कलकत्ता शौक, कलकत्ता इसका। आप इसकी रिंग देखो, अगर इसके चारों तरफ ये काली होती ऑरेंज की जगह तो क्या डेंजेंस लुक आ जाता इसकी आँखों का। फिलहाल वही रिंग है, मैं यही कहना चाहता हूँ, रिंग वही है, सिर्फ उसकी जो आउटसाइड कलर है वो ब्लैक की जगह ऑरेंज है। भाई ये कबूतर भी सेल में है, आप किसी भाई को चाहिए तो संपर्क कर सकता है, नंबर शुरू में ही बता दिया है। ये देखो चरम हो रहा है, और करीब से इसकी बॉडी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप पर खोल दो भाई, ये काशनी कबूतर है, हल्के हल्के लाल गंडे, पर देखो आप बहुत तगड़े पर है इसके, ठीक है जी। ये देखो बढ़िया क्या कबूतर है, पर पैर दिखा दो इसके। ये भी, ये भाई आपको सेल में अवेलेबल है। जिस किसी भाई को कासनी कबूतर पालने का शौक है या आप रखना चाहता हो तो भाई से संपर्क कर सकता है। इसके पंजे दूसरा दिखाता है, ये कासनी आ गया भाई, और ये कलकत्ता इसमें हो सकता है आपकी। बताना भाई क्या ये वहाँ के ले रहा है, जो उसकी सर्कल के बाद जो घेरे हैं वो तो हल्के हल्के डार्क है, और वो येलो कलर थोड़ा सा फैला हुआ है। अगर वो कम होता और डार्कनेस ब्लैक ज़्यादा होती तो शायद, लेकिन फिर भी ये बना सकता है। तो काशनी कबूतर है भाई की, सद का सुपर हीरो कबूतर है। ये बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, और ये इसके पर, पर बहुत लंबे चौड़े परों का कबूतर है भाई। ये परियां क्या बात है, पंजे दिखाना भाई, और ये पंजे। मोहित भाई एक सवाल कर जरूर करता हूँ, जो भाई शौक के साथ सेल की वीडियो डलवाते मेरे से, क्यों हटाना चाहते हो? अनिल भाई वो टाइम वैम नहीं है थोड़ा कबूतर हटाने में, मैं शौक ही ख़त्म कर रहा हूँ अपना सारा, ठीक है। और जो ये नर है, ये बड़ा कबूतर है, मेरा मैन कबूतर है, और ये जो कासनी सारे बच्चे हैं जो मैं भी दिखाऊंगा वीडियो में, वो इसके बच्चे हैं इस कबूतर के। चलो बात तो, चलो ये हो गया, नेक्स्ट दिखाओ फिर। क्या बात है, ये देख लो भाई इसकी आंखें, ये नर है भाई। हाँ ये भी नर है, इस नर का शौक कर रहे हो, खैरा कबूतर है, छोटी छोटी पलकें हैं, आँखों का कलर वही, रिंग का कलर वही, और चोंच भी बहुत अच्छी है, और उड़ान वाला कबूतर भाई ये। बस आपने रीज़न सुन लिया, ये भी कासनियों में से ना, कासनियों का ही पट्टा है, ये कासनियों का पट्टा है, ये भी कासनी है भाई। ये परों पे आप नोटिस कर सकते हो, हल्की हल्की छीट है ब्लैक कलर की, बहुत ही बढ़िया। ये कबूतर देख लो भाई आप, और ये इसके पंजे, क्या बात है यार। लाओ भाई दूसरा लाओ जल्दी कर, ये देख लो भाई एक और आ गया कासनी नर, ये एक ही ब्रीड चल रही है। क्या आँखें है इसकी यार, कसब क्वालिटी वाइज, ठीक है भाई। अगर आपके शौक में है सेल में ना भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, जो आपको समझ में आए अच्छा लगे तो वो आप लीजिए। और भाई मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ आपको शौक कराने और बताने का, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आपको हक है कि आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ले सकते, दिखा सकता हूँ बस आँखों का सर्कल, और भाई उसके साइड की जो गहराई है आप नोटिस कर सकते हो। ये कबूतर देख लो सामने से बॉडी स्ट्रक्चर, क्या खूबसूरत कबूतर है। ये भी जीरा है, सॉरी कासनी है, ये भी उसी का पट्टा है जो आपने दूसरे नंबर पर नर देखा है। और एक ये भाई खैरा कबूतर आ गया है मोटे नाकड़े में, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। छोड़ना भैया आप छोड़ो, पहले तो आप इसको ऐसे देख लो दोस्त, ये थोड़ा सा ब्लर कर, आ हा हा, अरे वाह,
आप इसकी नोटिस करो, इसकी आंखों का जो डॉट है ब्लैक कलर का वो कितना प्यारा है, उसके साथ रिंग भी, मोटे नाकड़े का खैरा कबूतर है ये, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। ये कलर ब्लैक है ना, नीला से रंग है ना, ये नीला से रंग है थोड़ा सा, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। इस पर ये छोटा सा सफ़ेद कलर इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है। पर दिखाना भाई इसके, और ये भाई ये भी जो खैरा आपने इससे पहले देखा ये उसका बच्चा है, आप देख लो इसकी खूबसूरती, क्या बात है। अरे वाह, आँखों में घुस जाइए, समंदर में तैरिए, गोते लगाइए और देखिए कि आपको इसके अंदर क्या दिखा भाई, लाजवाब। और ये पट्टा भी तो, हाँ जी, पर दिखाना इसके, ये देखो भाई पर। और एंड में भाई सबकी बैठक दिखा दूँगा, उससे और पता चल जाएगा कि क्या खूबी लेके बैठे हैं भाई। बैठक देखो, जो भी आपको भट्ठा दिखाया, क्या बैठक इसकी भाई, वाह। सबकी बैठक एंड में दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। ये भाई भी कबूतर जो है ना वो खैरे का ही है, जो आपने इससे पहले देखा था, पहले से पहले। ये भी भाई सेल में है, जिस किसी भाई को चाहिए वो ले सकता है, बात कर सकता है, भाई का नंबर शुरू में ही मिल चुका आपको भाई। वाह क्या हक है यार, जिसका पल्ला है बैठक और पंजों के साथ। थोड़ी देर बाद ये भाई एक नफ्ता कबूतर ले आए हैं, पीली डोरों में, नारंगी आंखें। और भाई कहा जाता है कि पीली, गुलाबी और काली डोरों में उड़ान और कबूतरों की से ज़्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है भाई। बाकी आप बताना कि इस बात में कितनी गहराई है। ठीक है जी, ये कबूतर आप शौक कर रहे हैं, ये भी सेल में अवेलेबल है। पर दिखाता ये इसके पर, एक तो भाई ये मद्रासी, ऊपर से बहुत खूबसूरत ललपोटिया कबूतर, ये देख लो भाई, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर। आप और पास से इसको देख सकते हो, बिल्कुल ललपोटिया कबूतर है, जैसे गोलों में होते हैं। मैं छत पे चढ़ते ही मैंने बोला था भाई गोला है क्या, कह रहे नहीं भाई मद्रासी है, इसकी आँखों का शौक एक बार और करो आप। क्या कबूतर है यार, ये भी सेल में है भाई, क्योंकि शौक हटा रहे हैं फिर अच्छा बुरा क्या देखना। ललपोटिया मद्रासी पर दिखाता हूँ आपको इसके, ये देखो पर, ये उड़ता हुआ भाई के यहाँ पर। और भाई ये भी सेल में अवेलेबल है, इसकी आंखों का शौक कर लें आप, क्या बात है। इन आंखों में बहुत उड़ान होती है भाई, हर छत पे पाए जाते हैं, बहुत शौक कराया है, बहुत शौक करने को मिला है, तो ये आँखें बहुत ज़्यादातर देखने को मिली हैं। जो टूर्नामेंट में उड़ते हैं ऐसी आँखों को उड़ते हैं, तो भाई ये भी आपको सेल में मिल जाएगा। ये इसका पल्ला, नेक्स्ट लाते हैं नेक्स्ट। बहुत ही प्यारी की आंखों की मादिन है भाई, मादिना नहीं है, पहली मादिन है भाई जो आप सेल में मिलेगी आपको। क्या कबूतरी है यार, ठीक है जी, ये भी सेल में है। और भाई मैं शौक के माध्यम से आपको सब दिखा रहा हूँ, जिस किसी भाई को पसंद आए वो कांटेक्ट कर सकता है। ये इसका पल्ला है जी, पर देख लो इसके भाई, वाह। और भाई एक खैरा कबूतर और ले आया भाई, ये भी आपको सेल में अवेलेबल हो सकता है, ये देख लो इसकी आँखें। एक सेकेंड, हाँ बढ़िया हो गया। तो ये ब्रीड भाई बिल्लो उस्ताद के शागिर्द हैं, तो जैसी बात है कि उस्ताद अच्छा तो ब्रीड भी अच्छी होगी भाई के पास, उड़ने वाली ब्रीड होगी। ठीक है जी, ये बदन है खैरा कबूतर है, पल्ला दिखाता हूँ आपको, पल्ला बहुत लाजवाब। और एक ही माध्यम देख लो भाई, कलपरी आँखों की, बहुत ही क्यूट, चेहरे की बहुत ही स्वीट, और गुलाबी डोरे हैं जिसकी आंखों से मैच करती हुई पलके लेके आई है अपने जीवन में। और उड़ान सुड़ान तो आप खुद ही देख लो भाई, क्या होगी क्या नहीं, क्योंकि मैंने उड़ते हुए देखे नहीं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ अच्छे उस्ताद के शागिर्द हैं तो चीज़ भी अच्छी होगी कई। वाह, कलपरी मादी ना, एक तरफ से तीन पर काले और पूंछ, और ये पल्ला दूसरी तरफ से। और एक मादिन आ गई भाई सेल के लिए, ये भी बहुत अच्छी है। जिस भाई को शौक करना वो शौक कीजिए, जिस भाई को ख़रीदना वो ख़रीद लीजिए, इस खरीद की में लेन देन नहीं होता भाई मेरा कोई भी, ठीक है। और कोई भाई अपनी तरफ से दे तो मना भी नहीं है ठीक है, जस्ट किडिंग यार। तो ये मादिन कलदूमी कबूतरी, ये भी सेल में है, सबकी बैठक दिखा, देख लो भाई इन सभी कबूतरों की। यो पट्ठा,
बिल्कुल नाक की तरह खड़ा भाई। ठीक है जी, पंजों पे खड़ा अपने, ये बैठे हुए कबूतर सारे जो सेल में अवेलेबल है। ठीक है भाइयों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट में किसी नए खिलाड़ी के साथ, किसी नए घर में और नए शौक के साथ। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद जय भारत।